नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व शरीर और मन दोनों को परम स्वास्थ्य देने का समय है। मैं इस पर आपको कुछ विशेष डाइट प्लान दूंगा और कुछ फिटनेस के मंत्रास दूंगा, जिनको अगर आप पालन करेंगे तो आपके ये 9 दिन आपके जीवन को परिवर्तित करने वाले सिद्ध होंगे। सबसे पहले तो 5 बजे उठने का आप संकल्प कर लें, अलार्म लगाएं, सोते समय मन में कहकर सोएं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, और 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी आप जरूर पिए। उसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 5:30 बजे आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाएं। 30 to 45 मिनट्स की मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। जब 6:15 पर आप मॉर्निंग वॉक से लौटेंगे तो उसके बाद, या फिर जहां आप करने गए हैं पार्क में अगर वही स्थान है तो वहां आप 1 आवर के लिए योगासन और प्राणायाम जरूर करें। नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का पर्व है तो इसमें योगासन और प्राणायाम का विशेष महत्व है। आप करेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसके पश्चात 7:15 के आसपास जब आपका योगासन प्राणायाम का सेशन समाप्त हो जाता है, तब आप 1 गिलास गुनगुने जल में 1 नींबू और 1 चम्मच शहद डालकर ले लें। इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, साथ ही जो विजातीय तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं शरीर के, वो भी इससे फ्लश आउट होंगे। और उसके पश्चात स्नान इत्यादि करके 7:30 और 7:40 के बीच में आप अपनी पूजा में बैठ जाएं। आपको चंडी पाठ करना है, आपको जप करना है, आपको ध्यान करना है, ये सारी गतिविधियों के लिए आपके पास अब पर्याप्त समय है। प्राणायाम से, योगासन से, मॉर्निंग वॉक से आपके अंदर एक ऊर्जा आ ही चुकी है। अब चंडी पाठ के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप उसको द्विगुणित त्रिगुणित कर रहे हैं, और 7:30 7:40 से लेके 10 और 10:30 तक लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय आपके पास है। आप खूब अच्छे से जप ध्यान साधना कर लें, आप एनर्जी से भर जाएंगे। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट में आप फल लें और ड्राई फ्रूट्स लें। रात को 5 बादाम भिंगो दें, 8 से 10 किशमिश आप भिंगो दें रात को, इसी तरह 2 अखरोट भिंगो दें और 2 या 3 काजू भिंगो दीजिए। ये आपके ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स हो गए। 1 सेब ले लीजिए, 1 या 2 केले ले लीजिए। इस तरह से आपका बहुत ही पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद जब लंच का समय आए 1 बजे के आसपास, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जो व्रत में खाए जाने वाले तत्व हैं, जैसे कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, समक के चावल हैं, साबूदाना है, इनके बहुत सारे डिशेज बनाई जा सकती हैं। इनकी रोटी बन सकती है, चीले बन सकते हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, लौकी है, पनीर है, मटर है, आलू है, इस तरह की सब्जियों के या डेयरी प्रोडक्ट्स के आप सब्जियां बना लें और उससे आप लंच कर लें। लंच करते समय ध्यान रखें कि पेट को पूरी तरह से ना भरें, करीब करीब 80% पेट भरें और 10 to 20% आप ज़रूर खाली रखें। फिर आपको 4-5 बजे के आसपास कुछ भूख लगेगी तो उस समय आप मखाने भूनकर ले लीजिए। ये जरूर ध्यान रखें कि 1 दिन में 2 चम्मच देसी घी आपको जरूर खाना है। तो सुबह ड्राई फ्रूट्स तो आपने सोक्ड लिए हैं, तो आप शाम को 4 से 5 के बीच में मखाने भून लें, या आप कुछ इस तरह के जैसे पनीर के टुकड़े हैं उनको भून लें, तो वहाँ घी का आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप खिचड़ी में कर सकते हैं, रोटी पर लगाकर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 चम्मच देसी घी जरूर 1 दिन में आप लें, जिससे आपके शरीर को पौष्टिकता मिलेगी। तो शाम को या तो जूस ले लें, या मखाने ले लें, या पीनट्स ले लें, 1 मुट्ठी ये सब चीज़ें लेनी है आपको, जूस 1 गिलास ले लें। इस तरह से शाम को 4 से 5 के बीच में आपका एक स्वल्पाहार हो जाएगा। जब रात्रि में डिनर का समय आएगा तो अगेन आपके सामने वही सारी चीज़ें उपलब्ध हैं कि आप कुट्टू के आटा, सिंघाड़े का आटा, समक के चावल, साबूदाने इत्यादि के डिशेस बनाकर और वेजिटेबल्स के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन वही आपको ध्यान रखना है कि बहुत भरपेट नहीं खाना है, आपको करीब 10 to 20% अपने पेट को खाली रखना है, क्योंकि नवरात्रि तप करने का समय है। तो 10 to 20 मिनट्स अगर आप अपने पेट को खाली रखेंगे तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होगी। और एक चीज़ ध्यान रखें कि
7 बजे तक आप हर हालत में अपना डिनर कर लें। 7 बजे के बाद किसी भी तरह डिनर को आगे नहीं बढ़ाएं, क्योंकि 7 बजे अगर आप डिनर कर लेते हैं तो आप दूसरे दिन सुबह 10:30-11 बजे तक जो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको इंटरमिनेंट फास्टिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा। और 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लें, उसके बाद फिर आप अपने जप ध्यान में, चंडी पाठ में या जो भी आपकी पूजा पद्धति है उसके लिए आप फिर एकाग्र होकर बैठ सकते हैं, जिससे आपको और ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप फिट भी रहेंगे, ऊर्जा से भी भरे रहेंगे और 9 दिन के अंदर आपको 2 से 3 किलो का वेट भी आपका कम हो जाएगा और बड़े हेल्दी तरीके से कम होगा। ना तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, ना आपको कम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, ना ही जितना एसेंशियल फैट आपको मिलना है उसमें कोई कमी आएगी। तो इन सारी चीज़ों को याद रखें, ध्यान रखें और नवरात्रि के उत्सव को पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ माँ की आराधना और भक्ति में लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।